फोटाबाद से सादकाबाद तक फैले सहराए चोलस्तान का रकबा तकरीबन 350 किलोमीटर है। यहाँ कभी दरियाए हाकड़ा का राज हुआ करता था और इसी हाकड़ा के किनारे पर पूरे चोलस्तान में जगह जगह किले तामीर किए गए। इन किलों की ये चैन फोटाबाद में मौजूद किला फूलड़ा से शुरू होती है और सादकाबाद के करीब बने किला इस्लामगढ़ पर ख़त्म होती है। सहरा का ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता बल्कि आगे सिंध में दाखिल हो जाता है और यहाँ से आगे ये सहरा चोलस्तान से थर में तब्दील हो जाता है। इस चैनल पर आज से हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम इस पूरे चोलस्तान में बनाए गए किलों का विज़िट करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन किलों में किला फूलड़ा, किला मीरगढ़, किला जामगढ़, किला मरोट, किला मौजगढ़, किला दीनगढ़, किला बारा, किला ड्रावर, किला नवाकोट, किला बिजनौट, किला खैरगढ़ और किला इस्लामगढ़ शामिल हैं। आज हम इस सीरीज़ का आगाज़ करते हैं किला फूलड़ा से। बहावलपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय करके हम ज़िला बहावलनगर की तहसील फोटाबाद में पहुँचे। किला फूलड़ा शहर फोटाबाद के इलाके फूलड़ा में मौजूद है। इस एरिया को पुराना फोटाबाद भी कहा जाता है। इस किले की तारीख के बारे में कोई मुसद्दका मालूमात मौजूद नहीं और बाकी किलों की निस्बत ये ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। अब सिर्फ इसके आसार ही बाकी हैं। आइए आपको किला अंदर से दिखाते हैं। ये नाज़रीन, इस टाइम हम किला फूलड़ा पर मौजूद हैं। ये शहर फोटाबाद के अंदर मौजूद है और इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देख सकते हैं कि पक्की जो ईंटें हैं सेम उसी तरह गारे के साथ लगाई गई हैं, लेकिन इसका जो टोटल बिल्डिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ इसके जो हैं आसार अभी बाकी हैं। बाकी जितने भी किले हैं, किला जामगढ़, किला मौजगढ़, किला मीरगढ़, सब की निस्बत इसकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल टोटली तबाह हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी यहाँ का किला आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर किला है, ये इसकी जो इमारत है आप देख सकते हैं। ये मैं आपको अंदर लेके जाने की कोशिश करूँगा। ये देखें जी, ये किला फूलड़ा की सारी जो इमारत है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। इसके इर्द गिर्द अब सारी आबादी हो चुकी है और ये किला बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये कुछ थोड़ा बहुत बचा पड़ा है, ये भी बहुत खस्ता हाल है। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से इसका कोई डोम वगैरह होगा, कोई बुरज होगा या कोई बिल्डिंग होगी, जो ये ख़त्म हो चुकी है। अब नीचे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। ना कुछ इसके अंदर कोई इमारत अभी मौजूद है और ना इसकी जो है दीवारें अभी सही हालत में अपनी मौजूद है। ये बिल्कुल जो है ना खस्ता हाली का शिकार है। ये देख सकते हैं आप, ये जस्ट एक किस्म की ये मिट्टी पड़ी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे ये टाइलें पड़ी हुई हैं। Thank you.
देख सकते हैं आप। ये किला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके ये जो नीचे ईंटें पड़ी हुई हैं, टूटी हुई ईंटें हैं, ये बता रही हैं कि यहाँ पर कभी पुख्ता इमारत होती होंगी इस किले की। इस किले के अंदर कमरे होते होंगे, महल होते होंगे, लेकिन ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। इसकी जो टोटल बिल्डिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसके इर्द गिर्द लोगों ने आबादी बना ली है, और इसकी बहुत ज़्यादा जो जगह है इस किले की वो भी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ऐसा ऐसा लोग जो हैं इसकी जगह जो है वो ख़त्म होकर लोगों के यूज़ में आ रही है। लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं इसके साथ। ये देखें स्ट्रक्चर आप, जो इसका गिरा पड़ा है सारा, ये मिट्टी है, ये बाहर पुख्ता ईंटें हैं अभी भी। ये सारा इसका जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कभी यहाँ पर बादशाह रहते होंगे, बादशाह हुकूमत करते होंगे उस वक्त के, उनकी राया होती होगी, जो उनके आगे पीछे उनके मलाजम होंगे, जो उनकी खिदमत के लिए देखभाल के लिए मौजूद होते होंगे, उनके एक हुक्म के ऊपर इतने मलाजम इकट्ठे हो जाते होंगे। लेकिन आज यहाँ पर ना तो उनका नाम है, ना उनका वजूद है, और ना ही कोई उनकी, ना उनके कोई आसार बाकी हैं। ये जस्ट एक मिट्टी का ढेर है। प्रॉपर इसकी देखभाल ना होने की वजह से ये किला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये सामने देख सकते हैं कि बारिश की वजह से, ये बारिश की वजह से इसकी जो ईंटें हैं, ये देखें, ये बारिश की वजह से ये दरारें इसमें पड़ चुकी हैं जगह जगह पर। और ये देख सकते हैं ये दीवार इसकी जो गिरी पड़ी है साथ, अभी आप देख सकते हैं ये जो पक्की दीवार है, ये किले की जो बाउंड्री है उसके अंदर इन्होंने बनाई गई है, साथ किसी ने घर बनाया हुआ है। ये किला आगे तक है, इससे भी आगे तक था, लेकिन ये देखें जैसे जैसे ये लोग आगे आ रहे हैं इसके एरिए को अपने घरों में, जो है ना ये मकामी आबादी इसके अंदर आस्ता आस्ता अपने घर बना रही है, ठीक है। और ये बिल्कुल जो बिल्डिंग है ना ये ख़त्म हो चुकी है अब। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये इसकी जो खस्ता हाली है इस किले की, ये देखें जो वक़्त के साथ साथ बारिशों की वजह से इसकी जो हालत ज़ार है। ये नाज़रीन इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं इसके अंदर, ये सारी जो इमारत थी ये किले की थी। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मालूमाती वीडियो मिलती रहें। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।